वार्ड नंबर 30 के धोबीघाट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और झारखंड का 22 साल हो चुका है बिहार से अलग किए हुआ, और नगर निगम की बात करें या विधायक फंड की बात करें आदि की समस्याएं आज भी यहाँ के लोग जो है झेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातें करूंगा कि आखिर में क्या कुछ यहाँ समस्या है। चाची, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ पे? समस्या तो ये है बाबू कि पानी थोड़ा सुन भी आता है तो हम लोग को घर में घुस जाता है। अब मान ली सब दिन तो झेल के रहे हैं, कितना झेलेंगे? अच्छा मान ली ऊँचा करने का है नहीं कि हम ऊँचा कर सकते हैं, तो कितना रोज रोज हम लोग परेशान होते रहेंगे बताइए, एक दिन का नहीं है जी। इनका बात है कि रोड जो है काफ़ी नीचा है, पानी की समस्या, और लोग हैं, चाची लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि क्या यहाँ पे पार्षद कुछ काम कर पा रही है कि नहीं? अभी इन्हीं लोग से पूछिए। हम लोग को तो अभी जैसे ये रोड में नहीं कुछ किए हैं, हम लोग को रोड में अभी कुछ भी नहीं किए, जैसे है वैसे ही है, समझे ना जी? बिल्कुल। और क्या समस्या, क्या आपका पार्षद का क्या नाम है? दिलीप गुप्ता। पार्षद सीमा देवी ना, पार्षद नीमा देवी। हम लोग, हाँ हम लोग का समस्या ये है सर कि नली का समस्या है। पहले रोड ठीक है, पानी आता है सारा घर में घुसता है, पूरा सामान बर्बाद हो जाता है, कोई है नहीं कुछ करने वाला, घर नीचा हो गया है, घर नीचा है तो पानी घुसेगा ही। जिसका ऊंचा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकता। जिसका नीचा है घर तो वो तो बोलेगा ही भाई, करेगा। पहले नाली है, नाली के निकास कीजिए, पानी का निकास कीजिए, उसके बाद रोड दीजिए। किस तरह का पानी निकलना है, कहाँ पर? ये नहीं कि कोई आधा डूबे आधा मरे, दोनों बात है। आधा आदमी उग जाएगा, बाद की नीचे वाला डूब जाएगा, ये चीज तो नहीं। क्या यहाँ बताइए कि पार्षद यहाँ कभी आपको दिखाई देते हैं आपके वार्ड में कि नहीं दिखाई देते? नहीं, पार्षद तो आज तक हमको नहीं दिखाई दिया है, आज तक नहीं आया है। जो पार्षद प्रतिनिधि आता है अपना मन से करके जाता है। नाली आज 8 साल से एक बार भी साफ नहीं हुआ है, और नाली को ऐसा बना दिया गया है, रोज नाली गड्ढा जितना रहता है जो उसी के ऊपर अथी दे के बोल्डर दे के नाली को और नीचे से ऊपर कर दिया जाता है, और घर को डुबा दिया जाता है, और आज तक यही होते जा रहा है। पब्लिक का पैसा को लूट खसोट किया जा रहा है जी, बिल्कुल। और हमारे साथ है, ये बोल रहे, क्या बोलने चाह रहे थे भाई साहब, बात बोलिए। हम लोग का रोड बचपन गुजार दिए यहाँ पे, हम लोग का रोड पहले ही 3 फीट ऊँचा हो चुका है घर से, अब इसको और 1 फीट ऊँचा करना चाह रहा है, जो कि रोड हम लोग का ठीक है। अगर आपके, हाँ जी 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 बोलिए जी। विधायक फंड से भी कुछ काम आती है क्या? विधायक फंड से भी आपका काम हुई है कुछ? नहीं हुआ काम, कुछ काम नहीं हुआ रोड का। ये तो आज रोड का 50 साल पहले रोड बना हुआ रोड में ये रोड सुनीता देवी बनाई थी पहले का पार्षद, उससे पहले RDS रोड बना था और कोई नहीं बनाया है, और नाला को जितना डुबा दिया जा रहा है, नाला को गड्ढा नहीं कर रहा है, उसी का ऊपर नाला बना के नाला को दफना दिया जा रहा है। रोड में हर घर में पानी घुसता है, जिसका घर इतना ऊंचा भी है उसका घर में भी घुसता है, जिसका घर इतना नीचा है उसका घर में भी डूबता है, और रोड बना देने से मेरा घर और डूबते जाएगा और नाला खत्म होते जाएगा, रोड ही नाला बन जाएगा जी, बिल्कुल। इसका शिकायत आपने कभी जाके नगर निगम या उसके उपचाधिकारी से किया है? नगर आयोग को लिख के दिए थे कि इसका कोई डिस्कस निकालिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ अपना मन से काम होता है, रोड का जो भी काम हो रहा है। आंटी जी क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये घर कितना नीचे घर है, और देखिए नाली हुआ पर तो पानी निकलने का निकास नहीं है, वो जगह देख लीजिए आप, निकास नहीं, पूरा घर में पानी जाता है, सारा पानी आता है, सारा पानी इसी जगह से पास होता है, इसलिए हम लोग को पानी का निकास चाहिए, बस हम लोग को पानी का निकास। और भी मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो आप लोग को मिल पा रही है क्या? जी नहीं, नहीं मिल पा, कुछ नहीं मिल रहा है का, जो मिला है जो है से है, कुछ भी आगे बढ़ा नहीं है का, और का और लोग है उनसे, और लोग है उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सुविधाएं उनको, मूलभूत सुविधाएं है या मिल नहीं पा रही है कि मिल पा रही है, ये हमको बताइए कि पार्षद यहाँ पे कोरोना काल में कभी दिखाई दिए आपको? अभी कोई नहीं दिखाई दिया है। तो क्या बोल के कहा जाता है? क्या बोल के क्या, हम लोग बस यही समस्या है कि भाई नाली के सबसे पहले से एक कीजिए, उसके बाद में रोड का सुझाव दीजिए, हम लोग यही चाहते हैं, ताकि एक दूसरे का घर मतलब डूबने से बचे। पार्षद का कान से आप
कितना यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, का कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है? जो पार्षद जो हम लोग की वर्तमान जो पार्षद है रीमा देवी, वो आज तक तो दिखी नहीं, आज तक दिखवे नहीं की। पार्षद प्रतिनिधि दिलीप गुप्ता है, वो आते रहता है कभी कभी, लेकिन कार से तो एकदम असंतुष्ट है। रीमा देवी तो आज तक कभी दिखाई देवी नहीं की है, जबकि उसको एनी टाइम एनी हाउ आना चाहिए, तो क्यों नहीं आती है? जब वह पार्षद बने हैं तो उसको शामिल होना चाहिए ना, बिना शामिल का तो कोई बात नहीं हो सकता है। अब इसमें आप बताइए कि हम लोग क्या डिसीजन लेवे। यहाँ के लोग मीटिंग करके आपको पर लगाया जा रहा है कि अभी तक वो ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आपके जितना श्रोतागण है उन्हें भी धन्यवाद। रही बात कि यहाँ इस गली में कुछ काम नहीं हुआ है, और ये सच्चाई बात है, इस गली में किसी प्रकार का कार्य अभी तक मेरे द्वारा नहीं किया गया। इस गली में नहीं, बस थोड़ा सा मतलब कि गली का एक कोना पाट, एक कोना पाट। ये गली करीब करीब आपको 400 से 500 फीट की गली है, साढ़े 700 फीट की गली है, तो 750 फीट में 165 फीट हमने कुछ नहीं किया है। और अभी नगर निगम के द्वारा पार्षद श्रीमती रीमा देवी के द्वारा PCC पथ का शिलान्यास किया गया था, और अभी कुछ अभी एक दो दिन के बाद यहाँ पे नया निर्माण होने वाला है PCC पथ का। तो यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पे अगर रोड बनता है तो हमारे घर में पानी जाएगा, और सच्चाई चीज़ है। मैं भी यहीं पे पैदा लिया हूँ, यहीं पे बड़ा पला हूँ, सब यहीं पे मेरा भी बड़ा पोषण सब चीज़ यहीं पे हुआ। सीधे तौर से आरोप लगाया जा रहा है कि पार्षद यहाँ पे एक बार भी मूवमेंट नहीं करते हैं, ये गलत है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज रविवार है, ठीक है, तो रविवार को भारी मात्रा में आपको दिखे गए लोग, और दिन दिलीप गुप्ता हर एक गली में, हमारे वार्ड में लोगों को पता नहीं होगा, हमारे वार्ड में 60 गलियां हैं, 60 गली में आप जा करके आपके पास कैमरा है, आपके पास मैक है, आप 60 गलियां में जाइए बेहिचक, और 60 गलियां में पता कीजिए कि दिलीप गुप्ता ही पार्षद रीमा देवी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है। सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पानी जैसी समस्याएं जो है, नाली का जो है, जो पहले बनना चाहिए तो नहीं बना है, और रोड का पानी जो ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको भी जानकारी होगा कि 2020 और 2021 किस दौरान से पूरा भारत दौड़ा, क्या स्थितियां थी इसी पूरे वर्ल्ड की, कोरोना काल था। तो 2021 में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, जिला परिषद हो, या किसी प्रकार का जो भी विभाग हो, दो साल फंड देने का काम नहीं किया। जी बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं इस पे और करूंगा आपसे, ये हमको बताइए कोविड जैसे वैश्विक महामारी के समय सफाई और रोड नाली का समस्या को प्राथमिकता दिया गया सरकार के द्वारा, आप इसको आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, इस पे आप क्या? आप सुनिए, अब बता रहे, कोविड में दो साल हम और हमारा पूरा टीम प्रत्येक गली में सैनिटाइज से लेकर के खाना से लेकर के पीना से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के मास्क से लेकर के हर चीज़ का वितरण करने का काम किया। तो अभी रोड की जो काम के लिए तैयार है, तो पहले नाली बनाएंगे कि रोड बनाएंगे? अब मेरा बात सुनिए, अब नाली का पैसा हमारे पास नगर निगम के द्वारा दो साल से नाली का पैसा का मतलब होता है नागरिक सुविधा, वार्ड लेवल पे एक नागरिक सुविधा आता है, तो उस नागरिक सुविधा से आप बोरिंग करा सकते हैं, आप नाली बना सकते हैं, ठीक है। और वार्ड लेवल एक होता है, तो वार्ड लेवल में क्या होता है, उसमें आप PCC पथ ही बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का नागरिक सुविधा में फंड नहीं होने के कारण नहीं बन पा रहा है नाली, यहाँ का मात्र, यहाँ का सिर्फ, यहाँ का, और यहाँ के दो चार लोग ऐसे हैं, पूरे लोगों को नहीं बोलेंगे, दो चार लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें पार्षद से कोई मतलब नहीं है, जब काम होगा अपना पर्सनली काम होगा, सामाजिक कार्य नहीं, अपना काम होगा तो पेट में आकर के घुस करके काम कराने का कार्य करेंगे, और जब समाज के अंदर का काम होगा तो विवाद करने का काम करते हैं। अगर इस PCC पथ को अगर बनने में किसी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व अगर बाधा बनती है, तो मैं निगम से अनुरोध करता हूँ कि इस पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। आपके पार्षद कब जो आपको दिया गया है काम जिम्मेवारी, क्योंकि टोटल काम आप ही कर रहे हैं, ये तो सीओ
पार्षद आपके यहाँ नहीं रहते, इस पे आप क्या? पार्षद यही है। देखिए, मन चला बात, मुंह बोला बात पे नहीं जाना चाहिए आदमी को। पार्षद यहाँ है कि नहीं है वो तो देखने की बात है। आप घर बैठे भोले बाबा से भेंट तो होगा नहीं, मंदिर तो जाना तो होगा। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ की जनता है। हाँ, यहाँ की जनता बोल रही है। हम क्या बोले, जनता यहाँ पे नहीं है, दो असामाजिक तत्व थे। आप सुन लीजिए, इस गली में अगर आप इस गली में आप नौ बजे रात में आइएगा यहाँ पे, असामाजिक तत्व को हम दिखाएंगे कि घर के पास ही लोग दारू पी करके, दो या तीन आदमी घर के बाहर माँ बहन का गाली, अगल बगल वाला सब परेशान हूँ लोग से, और आज रोड बनने जा रहा था, वही लोग है, वो एक दो को है बस, ज्यादा लोग नहीं है, और वही लोग दो को मिल करके सबको मतलब भड़काए हुए हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं वार्ड नंबर 30 के लोअर शिवपुरी मोहल्ला में उपस्थित हूँ, और यहाँ की आम जनता की जो समस्याएं हैं, विगत जो झेल रहे सालों से, वर्षों से, उनकी जुबानी ही हम सुनेंगे कि क्या कुछ वो कहेंगे, क्या काम हो पाया है। चाची, ये बताइए कि क्या कुछ काम हो पाया है, क्या तकलीफ है आप लोगों को? वही, हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है, कि बरसात में हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है, 24 घंटा पानी रहता है घर में। क्या आप पार्षद को पहचानते हैं, क्या नाम है पार्षद को? पार्षद तो अभी दिलीप गुप्ता है जी। इनको यहाँ तक का पार्षद का नाम भी मालूम नहीं है कि ये दिलीप गुप्ता जो कि उनके प्रतिनिधि है, पार्षद के नाम भी मालूम नहीं है। ये हमको बताइए कि पार्षद यहाँ कभी दौरा करते हैं आप लोग का मोहल्ला में? आते हैं, जाते हैं, लेकिन मतलब अभी आज तक धोबी घाट में अलकापुर शिवपुरी में कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कोई खाली बस यहाँ हल्ला होगा कि काम करना वो काम करना करवा होता है, और उसके बाद में कागज जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। आप लोग कंप्लेन किए नगर निगम में कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, करके हम लोग बैठ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोग का। पार्षद क्या बोलते हैं आपको? पार्षद बोलते हैं कि हो जाएगा, नहीं बोलते हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। पार्षद बोलता है कि पार्षद प्रतिनिधि बोलता है, सफाई की अगर मामला बात होता है तो जी। आप बोलिए फिर बोलिए, है ना, आप क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब, बोलिए। कहीं भी पार्षद नहीं आता है अपने से, उसका प्रतिनिधि आता है, डेमो दे के चला जाता है, कुछ काम नहीं होता है। आप सामने देखिए, यहाँ भी नाला का स्थिति देखिए, उधर का पानी सब इधर आता है, हम लोग डूबते हैं, इतना डूबता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक गली नहीं, चारों गली को देखते हुए क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का टीवी जितना सामान सब बर्बाद हो गया, पूरा बक्सा डूब जाता है, घर में पानी डूब जाता है, यहाँ का आदमी लोग अपना अपना व्यवस्था देता है, हम लोग का घर में कुछ नहीं होता, आके देखने घर भी देख सकते हैं आप, हम लोग का मट्टी घर गिर जाएगा तो क्या पैसा होगा हम लोग का, बताइए कोई देगा? आपको आवास नहीं मिल पाया है, नगर नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो रहा है? 10,000 घुस दिया ना, उसको घर मिल गया। किसको घुस दिया और कौन दिया? सब दिया, सबको मिलता है, यहाँ घुस दे देकर सब बनवा लिया, बहुत जगह बना, किसका किसका नाम हम बताए आपको? अरे, घुस किसको दिया जाता है, पार्षद को दिया जाता है कि किसको? पार्षद नहीं लिया घुस, मतलब अपना ही में लोग लेता है देता करता, लेकिन देखिए हम लोग भरे, हम लोग का पैसा पास ओवर, मोटिशन कागज दीजिए तो ये दीजिए तो वो दीजिए, नगर निगम में कागज भेज एप्लीकेशन डालिए एप्लीकेशन, और नगर निगम भी तो कुछ नहीं सुनता है, नगर निगम को सुनना चाहिए ना, तो नगर निगम भी क्यों नहीं सुनता है? क्या क्या बोलते हैं नगर निगम? नगर निगम को भी सुनना चाहिए, हुआ नहीं है, हो जाएगा, ना इंदिरा आवास मिला है, ना हम लोग के कोई रोजी रोटी मिला है, तो हम लोग कैसे में रहते हैं हम ही लोग समझते हैं। बरसात अभी थोड़ा सा पानी आएगा तो पूरा घर में भर जाएगा, हम लोग का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है, कहाँ खाना बनाए, कहाँ रहे नहीं रहे, बच्चा है छोटा, उसको कहाँ रखे नहीं रखे, हम लोग को बहुत समस्या खराब है। आप लोग जब आए हुए हैं तो हम व्यवस्था करके जाइए, हम लोग के व्यवस्था करिए, इंदिरा आवास दिवाइए, हम लोग के व्यवस्था करिए। बहुत ऐसा आप लोग जैसा आए और चले भी गए बोल के, ऐसा ही फोटो मीडिया सब आया, मगर कुछ कर नहीं पाया, समझे? आप लोग आए हैं तो देखिए कर पाते हैं, तो हम लोग की व्यवस्था करिए। बरसात में आइए आप लोग, तब कुछ देखिएगा, तब सच्चाई आपको पता चलेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बोलने से नहीं होगा, कुछ होगा तब ना होगा, बोलने से क्या होगा? अब हम लोग को विश्वास अब उठ गया, कोई फॉर्म हम भरने सर्वे देखिए करने नहीं करवाए, सर्वे फॉर्म भरने आता है फॉर्म भी नहीं भरवाते हैं, कुछ हो भी नहीं, ऑनलाइन भरे सब कुछ किए लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोग का, आज तक न हुआ है, जब होता तो हम लोग बोलते कि होता है, कुछ नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग का घर द्वार देखिएगा तब ना, सब डूब रहा है, देखिए ये बस्ती में सबका है, लेकिन इतना थोड़ा सा देखिए आप देख रहे हैं नहीं, सब
आदमी का कितना दिक्कत हो गया है, करना चाहिए थोड़ा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 30 के ही मोहल्ला में घूम रहा था, जिसमें विकास के नाम पे विगत यहाँ के जनता जो है वो देखिए, साफ सफाई की बात हो, घर की आवाज़ की बात हो, पानी में बरसात के दिनों में ये डूब जाते हैं, नाली की बात हो, अगर नाली की बात करें तो आज भी नाली जो है वो ओपन ही है और वही तरीके से नाला का रूप लेके वो घूमते हुए मैंने पानी बहते हुए दिए। कभी भी यहाँ पे कोई बच्चे का अप्रिय घटना हो सकती है, ये एक तरीके से घटना को दावत देने का ही बात हो रहा है। अगर बात करें यहाँ तो यहाँ की जनता सिर्फ पिछले कई सालों से सिर्फ ठगी का ही शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ की पार्षद हो या नगर निगम हो क्या कुछ काम कर पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।